कि जो लोग भी इस डर से जॉब करते हैं या इस डर से अपनी नौकरी करते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो मेरी सैलरी कम हो जाएगी, और वो इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनको उस जॉब से, उस प्रोफेशन से प्यार है, इसी वजह से वो जिंदगी में उतना बड़ा नहीं कर पाते जितना बड़ा वो कर सकते हैं। वो कहीं ना कहीं, मैं हमेशा मानता हूं कि शायद ये हम मिडिल क्लास वाले लोगों का एक 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 वीक पॉइंट है ये, जहां पे हम अपने डिजायर को ना लिमिटेड बना देते हैं। हमको लगता है कि बस इतना बहुत हो गया, अब जॉब मिल गई ना, इतना काम हो गया। और बिकॉज हम उसी थॉट प्रोसेस से ये बिजनेस शुरू करते हैं, उसी एनवायरमेंट से हम इस बिजनेस में आते हैं, बिकॉज सब कुछ वैसा ही होता है, हम यहां भी आकर के नहीं चाहते हुए भी हमारा सेम माइंडसेट हम पे हावी हो जाता है। हम वही सारी चीजें करने लगते हैं, वैसी ही सारी चीजें करने लगते हैं जैसे हमने प्रीवियस लाइफ में किया हुआ। और इसीलिए अगर आप देखो तो अपने बिजनेस में ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ऐसी कई चीजें बनाई गई हैं, ऐसी आपको एक 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 अपलाइन ऐसा मिला हुआ है जो जो आपको हेल्प करता है, वो जो आपका एक लाइफ का पैटर्न है ना, उसको अपग्रेड करने में, उसको चेंज करने में, उसको बेटर बनाने में। और वो पहले आपके माइंडसेट पे वर्क करता है, आपकी सोच को करेक्ट डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है। और वो सारी सिचुएशन, जैसे आज ये सिस्टम है, ट्यूसडे को आपकी या वेडनेसडे को, जब भी आपकी वो जो छोटी सी ट्रेनिंग, स्किल ट्रेनिंग जो होती है, वीसेल हम लोग उसको बोलते हैं, वो जो ट्रेनिंग है, या फिर जो वेलकम है, या जो आप अपने अपलाइंस के साथ बैठते हो, वहां वहां सीधे आपसे नहीं कहते कि आपको ये करना है, वो पहले आपको समझाते हैं कि क्या करने से क्या अचीव हो सकता है। पहले वो आपको मेंटल, आपके थॉट प्रोसेस के लेवल पे जो आपका पैटर्न बना हुआ है ना, उस पैटर्न को चेंज करने की कोशिश करते हैं। और हमको लगता है, और हम उसी को रेजिस्ट करते हैं, क्योंकि उस पैटर्न की वजह से हम सिर्फ अपने अपलाइन के पास या सिर्फ अपनी ट्रेनिंग में इसलिए जाने की कोशिश करते हैं कि कुछ होगा तो जाएंगे, यार आज प्लान लाइनअप है तो जाके अपलाइन से मिलेंगे, आज कुछ किया तो है नहीं क्यों अपलाइन से मिलेंगे। उस थॉट की वजह से हम इस तरीके से रिएक्ट करने लगते हैं, जबकि हमारा अपलाइन, जिसको मैं बोलता हूं कि अपलाइन का मतलब आपका सिस्टम, आपके सारे ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स वाला, तो ये जितने ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, कोशिश ये करते हैं कि देखो काम तो हम करेंगे, बट काम क्यों करेंगे पहले उसको ठीक कर लेते हैं, उस सोच को ठीक करना बहुत जरूरी है। आप कितना भी आप बोलो ना कि मैं इस बिजनेस से ये अचीव करना चाहता हूं, यहां पहुंचना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, ये घर, ये गाड़ी एंड ऑल, और अगर आप अपनी सोच ना बदलो तो कुछ नहीं बदलेगा, बिना सोच बदले तो कुछ हो ही नहीं सकता। छोटी सोच से बड़ा पैसा नहीं कमाया जा सकता, या छोटी सोच से जिंदगी में बड़ा नहीं बना जा सकता है। और सोच बदलने के लिए ये छोटे 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 प्रोसेसेस बनाए गए हैं, एंड इन प्रोसेसेस को फॉलो करना ही बिजनेस करना है। अगर आप सोच के देखो, इतने ढेर सारे, जहां तक मैं समझता हूं आप लोग जितने लोग आए हो इस समय, जो लोग भी आप लोग मुझे सुन रहे हो, हर जगह, हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में एक प्रोसेस होता है, हर फील्ड का एक प्रोसेस होता है। अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, वहां पे एक प्रोसेस होगा, हर रोज सुबह आपको 4 बजे आना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्रिकेटर बनना चाहते हैं, आप बैट्समैन बनना चाहते हैं, तो आप सीधे फील्ड पे जाइए और बैट उठाइए और बैटिंग करिए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। आप पहले फील्ड पे जाते हैं, आप पहले वार्म अप करते हैं, वार्म अप में आप थोड़ी रनिंग करेंगे, थोड़ी स्ट्रेचिंग करेंगे, आपकी हर मसल की स्ट्रेचिंग कराई जाएगी, बॉडी को पूरी तरीके से वार्म अप किया जाएगा। उसके बाद छोटे छोटे और प्रोसेसेस हैं, उनको कंप्लीट करने के बाद आप नेट्स में जाके आप बैटिंग करते हैं या बॉलिंग करते हैं। हमको अगर अगर एक मिडिल क्लास की सोच के साथ एक इंसान सोचे तो वो ये सोचेगा, अरे करना क्या होता है, इनको जाना है, चारों तरफ नेट लगा हुआ है, बॉल देखना है और बैट से मारना है, करना ही क्या है। एक मिडिल क्लास की तरह सोचने वाला इंसान तो ऐसे सोचेगा, बट वो कभी ये नहीं समझेगा कि इसके पीछे कितना लंबा प्रोसेस है। ये वही समझ सकता है जो उस प्रोसेस से गुजरा हो, इसीलिए कोच चाहिए होता है। एक कोच बताता है, आपने कितनी ऐसी फिल्में देखी होंगी, कराटे किड आपने शायद देखी होगी, या और भी कई ऐसी फिल्में देखी होंगी जिसमें एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि मुझे कराटे सीखना है, या एक स्टूडेंट आता है और कहता है कि मुझे ये चीज सीखनी है, लेकिन जो सिखाने वाला इंसान होता है वो कहता है पहले ऐसा है, पहले कार साफ करो, या पहले फ्लोर साफ करो,
और सीखने वाला बंदा परेशान हो जाता है कि यार मैं तो कराटे सीखने आया था और ये मुझसे कह रहे हैं कार साफ करो, वैक्स ऑन एंड वैक्स ऑफ, ये मुझसे कह रहे हैं फ्लोर साफ करो, इरिटेट हो जाता है। वो सोच की बात मैं कर रहा हूं, वो सोच मिडिल क्लास मेंटेलिटी वाली सोच है कि सीधे जो करना है हमको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए, हमको इमीडिएटली वही चाहिए जो हम चाहते हैं, उसके पीछे का जो साइंस है जिसको करने से वो चीज अचीव होगी हम उसको नहीं देखते हैं, हम उसको फॉलो करने की कोशिश नहीं करते। और बाद में जब वो कोच समझाता है कि जब आप वैक्स ऑन वैक्स ऑफ करते हो ना तो ये पर्टिकुलर मूवमेंट एक पार्ट है कराटे, आपकी कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ मसल्स स्ट्रांग होती हैं। मुझे अभी भी याद है वी पार्टनर देव वाधवानी का एक एक सिस्टम जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब वो बैडमिंटन खेलने गए थे या आई थिंक लॉन टेनिस की बात की, केवल पहले कितने दिन केवल बॉल फेंकना सिखाया था, ऐसे ऐसे ऐसे, क्यों? ताकि रिस्ट मजबूत हो जाए। बैडमिंटन खेलने वाला इंसान क्या सोचेगा कि यार मुझे क्यों, मुझे बॉल